बहुत अच्छा लगा। कालू भाई यहाँ लग गए। नहीं बाबा बता तो दे। जीमी आटा घी खाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। बहुत ठंड है। कुछ करके तो दिखाओ। पकड़ लियो कभी उसको। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में हैं। तो कल का व्लॉग देखा आपने जिम वाला? काफी लोगों के बहुत ही जबरदस्त कमेंट थे, बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी सो रहे हैं, 9 बज गए, किसी ने घंटी बजा दी तो मैं उठ गया और जीमी के साथ अभी मैं खेल रहा था। तो जीमी यहाँ पर शैतानी कर रहा है। तो शांति अभी अभी आई है और शांति आते बोले भैया आज इतनी जल्दी? मैंने बोला किसी ने बाहर घंटी बजाती थी इसलिए खड़ा होना पड़ गया। घंटी बजती हमारे कुलदीप भाई गेट खोलते हैं और उसको लगता है कि भाई छोटा भाई सो रहा है तो मैं गेट खोल देता हूँ, तो मेरी आँख खुल जाती है। कोई भी घंटी बजाता है ना, छोटी सी चीज भी टिन भी कहता है तब भी आँख खुल जाती है। तो इसी के साथ एक मज़ेदार चाय पीते हैं और चाय पी के जिम जाने की तैयारी करते हैं। चाय पी के सोऊंगा, मतलब 1.5 घंटा सोऊंगा, फिर 12 बजे जिम जाऊंगा। कालू भाई यहाँ लग गए हैं कैमरा साफ करने के लिए, जबरदस्त सा चमकाएंगे। क्योंकि क्या है, जिस चीज से आप मेहनत करते हो या फिर आपका जो भी टूल होता है, पेन कॉपी या फिर कैमरा कुछ भी है, उसको साफ सुथरा रखना आपका फर्ज बनता है। तो जिमी जूते खा रहा, देख रहे हो हरकतें, देख लो तेरी ना जिमी, गलत है ये चीज़ें, गलत है, गलत गलत। 2 बजे उठी हूँ मैं पूरे बीच में मेरी नींद खुल गई थी, मैं उठी थी 6 बजे, पता नहीं अपने आप नींद खुल गई 6 बजे। इधर उधर घूम रही हूँ कुछ नहीं, फिर 3 गिलास ठंडे पानी पिए, फिर उसके बाद मैंने पानी पिया दो, नहीं बाबा नहीं बाबा, 1.5 घंटा मैंने फोन देखा, फिर मैंने कहा यार सो जाती हूँ, नींद पूरी करती हूँ, फिर मैं वापस सो। मैं 9 बजे उठी थी, 9 बजे मेरे पास आई थी एक बार, मुझे याद है। मैं सबसे पहले उठा, मैं ना मम्मी के गद्दे में ना हाथ डाला, मेरे गद्दे के नीचे हाथ डाल रहा, सर के नीचे मेरे, अब ऐसे हो रहा, क्या चाहिए? डाल रहा मेरा फोन चाहिए, मैंने फोन दिया मैंने। अभी इतने देर से आप दोनों सो रहे हो, शोर नहीं कर सकते, काम वाले भी आई थी वो वापस भेज दी। अब चीकू बस कुछ काम नहीं करने के लिए मेरे फोन में ब्लॉग डल रहा है, अब इसको फोन चाहिए, ना आवाज कर सकता ना कुछ, मैं चुपचाप पड़ा रहा है। मैंने कहा तूने मेरा खून पी लिया, जल्दी उठ के मैं एक चीज के साथ रहूंगा, उसके बिना मैं नहाऊंगा नहीं। क्या चीज है वो, बता तो दे। जीमी के साथ? जीमी के साथ नहाएगा ये? नहीं नहीं बेटा, कल नहाए, जीमी गंदी हो जाएगी। कल ही नहाया बेटा, रोज थोड़ी नहा सकता है जीमी, ठीक है? बाबू छोटा बच्चा है ना, उसके बाल झड़ जाएंगे फिर सारे। बेटा ये आपका शैम्पू नहीं है चीकू, पापा का, ये मम्मा का शैम्पू है, मम्मा का शैम्पू बच्चे नहीं लगाते, छोड़ दो, आपको हाथ में लग जाएगी चीकू चाकू, मम्मा खोल देगी अपने आप, छोड़ दो उसे। शोनी बाबू तू सोई सोई गली है, रात भर तो सोई है, आजकल तो तू रात में भी सो रही है बेटा। आजकल ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो सबसे अच्छा लगता गर्मियों में ना चटनी लस्सी और रोटी, वैसे तो ये परांठे हैं पर रोटी। शाम को बना रहे हम छोले, वाइट छोले, क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं है इसलिए वाइट छोले बनाए हैं। और मैंने चीकू के लिए बनाई थी मैगी, वो बची हुई है, पता नहीं कौन खाएगा। घर का सारा राशन खत्म है, मतलब सब्जी से लेके फ्रूट से लेके घर की दालें, आटा, घी, चीनी, चावल सब कुछ खत्म है। शादी में जितना भी सामान लाए थे वो सारा लग गया था, उसके ऊपर भी आया था सामान पर वो पास से आया था। तो आज मैं और गोलू जा रहे हैं घर का पूरा सामान लेने, पूरा सब कुछ सामान, क्योंकि जब तक फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलते ना दिन में एक बार तो फ्रूट्स चाहिए, और काफी दिन हो गया मुझे, एक मेरे हिसाब से 1 हफ्ता हो गया हमने फ्रूट्स नहीं खाए हैं। तो आज मैं जाके अच्छे अच्छे फ्रूट सब्जी सब कुछ लेके आती हूँ। गोलू ने यहाँ मंगा लिया बड़ा पैक शैम्पू का, इतने बड़े शैम्पू के साथ ये फ्री मिला है, इतने बड़े के साथ ये फ्री दिया, चल कुछ तो दिया है, ना देते तो। पर ये सही किया ना पायल? हाँ सही, पायल मैं कितनी समझदार हूँ ना। हाँ ये तूने नहीं, ये आइडिया पता किसका था? वो पीछे खड़े कैमरे के मेरा नहीं था, फिर वो पारस भैया की वाइफ नहीं बोल रही थी कि बड़ा मंगा लो? हाँ, उसका था, स्निया का आइडिया था, आइडिया था। तो ये पूरा थैला मेरी टी शर्टों का भरा है और ये होंगे छोटे, ये सारे आपको लूज है, छोटे सब फिटिंग कराने पड़ेंगे, खुले हो गए या छोटे करवाने हैं? मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये सारे होंगे छोटे। अच्छा, पूरा थैला भरा हुआ कालू भाई लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से कपड़े नहीं पहन पा रहा मैं। पहने हुए कैसे, इतने लार्ज साइज थे, एक्सेल साइज था, अब स्मॉल पे आ रहे हो तो कैसे पहने? 36 कमर से। तो भाई जब निकलते जिम के लिए और करेंगे बैक का वर्कआउट। ट्यूशन जाना है? थोड़ी देर मुझे ला जाओ। थोड़ी देर? कितनी देर? आधा घंटा तो तेरे को वैसे हो जाएगा, रोड से जाएगा जब? नहीं है अभी इसके टाइम, 4:30 है ना। कितने बजे जाना? नहीं तीन है, 3:30 है। चल फिर फटाफट जा, 20 मिनट है अभी, आधा घंटा ही तो होता है। 20 मिनट? 20 मिनट आधा घंटा? हां सच्चे जोड़ लूंगा आपने बोल दो ना, आधा घंटा होता है। तो मैं ऊपर से दोबारा नीचे आऊं कैमरा लेने, क्योंकि ना ऊपर साउंड चल रहा है और वर्कआउट में मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो कैमरा ले चलते हैं, पोजीशन तो देख ही लेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो है मोटिवेट करना आपको जिम ले जाना।
तो अभी करने वाले हैं डेडलिफ्ट पोजीशन, आप देख लेना। लाइट वेट में करेंगे, लोअर बैक के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक्सरसाइज हो चुकी है। अभी हम करने वाले हैं वर्टिकल रो के 3 सेट और वेट रहेगा मेरा 14। अभी हम लोग करने जा रहे हैं बैक की एक एक्सरसाइज, का नाम है क्लोज ड्रिप पुल। भैया इसके लगाएंगे चौथा, मतलब चौथी एक्सरसाइज है, तो इसके निकालते हैं 10 से 15 रैप जबरदस्त वाले, ठीक है। तो भाई अभी हो गया हमारा वर्कआउट डन, 4 वेरिएशन करी हमने बैक की। अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके थोड़ा डाइट लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं हमने क्या डाइट ली। तो जिम से निकले हुए हमें आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से हम मार्केट घूम रहे हैं। चीकू के पापा को पहले 36 कमर आती थी और अब जाके 30 कमर की पैंटे लेके आए हैं, और वो भी इन्होंने लिमिटेड लिए हैं, अभी 4 लिए हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा पैटर्न ज्यादा डिजाइन नहीं थे। उसे लेने के लिए हमें लगता है पूरा आधा पौना। इनको ना फंकी कपड़े अच्छे लगते हैं, वैसे इनको शर्ट और टी शर्ट भी लेनी थी, पर जब हम ले रहे थे ना इनको कुछ मजा नहीं आया, तो ये बोल रहे हैं मैं शाम को करूंगा अलग से शॉपिंग। तो भैया पहुंच गए हैं पेंचो, और पेंचो में जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ, कल हम लाइव थे और लाइव की वीडियो मिल जाएगी आपको, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त हमारे छोटे भाई। इनको तो आप कौन कौन जानते हैं बता दो कमेंट करके, कमेंट में पता इस चेहरे को कौन कौन देखता है। जब भी मैं पेंचो पहुंचता हूँ तो हमारे छोटे भाई नजरे बिछाए बैठे रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे भाई। और पिछली बार की तरह मैं आज भी उसी तरह से मैं क्या बात है। और अब जबरदस्ती चाय और कुछ खाने पीने का इंतजाम, भाई खाने का पूरा इंतजाम हो चुका है, अभी खाना आने वाला है, टेबल लग गई है। भाई क्या है, दूर नहीं जाएंगे क्योंकि देख सकते हो बहुत बड़ा है, क्योंकि पेंचो जो है पेंचो जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ तक है। तो अभी चीकू की शैतानियाँ चल रही है, चीकू नहा रहा है यहाँ पे, और ये पूरा फार्म हमारे भाई का है। भाई ये स्पेशल अरमान भाई का है, इसके पास में जो इनका डॉग वाला प्लान था वो फार्म भी आगे थोड़ा सा यही है, कल मॉर्निंग में वो भी दिखाएंगे भाई आपको दिखाएंगे जरूर। चीकू मम्मी को नीचे गिरा, पानी में गिरा, कुछ नहीं है। अब तो इतना ड्रामे कर रही है ना भाई, बहुत ठंडा, सच में बहुत ठंडा, इतना ठंडा था दोपहर में मारे से लग रहा है पानी आता है, ये तो ऐसे लग रहा है बर्फ का पानी लग रहा है। हाँ। तो बहुत ठंडा है, जैसे बर्फ डाल रखी है पानी में। ये मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, मैं बोला तुम नहाओ बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, खुल के नहाओ, डरना नहीं है। हाँ। ये थोड़ी होता है, आपने कहा जा जा आप भी आओ नहालो नहालो, कोई जल्दी आओ जल्दी, ये कोई मतलब नहीं होता, मेरा कोई काम है वैसे, ना लो। अच्छा पहले तिरछी तुरछी मार के तो दिखाओ, तुम तो ऐसे नलायक की तरह चले गए पानी में, कुछ करके तो दिखाओ। ये बाल गंदे, ये कैमरे में चला जाएगा पानी, ये क्या है, तिरछी मार रही हूँ मैं, ये कल मारूंगी ना राफ्टिंग करते हुए तिरछी। अच्छा। तो आज कम वो ये थोड़ी मारेगी, वो तो वहाँ की लहरें मारेंगी, ये तो जबरदस्ती गिरेगी वहाँ पे। ठीक है कूद के दिखा दे, कूद के हाँ उधर से पकड़ लियो, कभी उस साइड लग जाए गिर जाए, चलो एक्शन। देखा ये होता है बोल्ड बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती बोल्ड बच्चा देख रहे हो यार, इसको तो गर्मी नहीं लगती, इसको ठंडी लगती, इसको कुछ नहीं लगता, हमें तो लगता है। तो गाइस रात के बज गए हैं 2 और ये नहा रहे हैं अभी बच्चे हमारे, देख रहे हो। चीकू आराम से रुक जा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, फिर उसके बाद अपनी चमक चांदनी दिखाना चीकू। 1 2 3 एक्शन, चीकू नहीं डरता बिल्कुल भी। 1 2 3 एक्शन, ये नहीं डरता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं डरता कसम से, बिल्कुल आप चीकू यार मजा आ गया। 1 2 3 एक्शन, साले तुमसे अच्छा तो बच्चा है, हैं एंजॉय कर ले दोनों इसे, ये तो बच्चों के लिए है, आप भी कर ले एंजॉय, आ जाओ, चलो आ रहा हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाबा, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें।